वेलकम टू ओलिवबोर्ड। LIC मेन स्पेशल सीरीज आपके लिए चलाई गई है। ऑल इंश्योरेंस स्कीम्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको चाहिए कि जितने भी नेक्स्ट वीडियोज आए नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाने हमें। सबसे पहले स्कीम क्या है, हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या है और मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा दिमाग में कि PM नाम से जितनी भी शुरू होने वाली स्कीम्स हैं, सबकी एब्रिवेशन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कैसे, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आपको इसका एब्रिवेशन बनाना आना चाहिए। कैसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि PMFBY एक स्कीम होती है, ठीक है, एक इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें बी का मतलब क्या है। तो बी का मतलब क्या है, बीमा, ठीक है, ऑप्शन में आप बीमा लिखा दिखेगा वहां पे। तो अब आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ वो सारी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंश्योरेंस हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो नाम से पता चल रहा है कि ये फसल के लिए है, ठीक है। तो फसल का जब इंश्योरेंस हो जाता है उसके लिए है। अब देखते हैं इसके एम क्या है इस स्कीम का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स एट सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, इस चीज़ के लिए ये स्कीम लाई गई है। किस तरीके से करेगी ये देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स, अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से जो नुकसान एक फार्मर को होता है उसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अनफोर्सीन इवेंट कौन से, जिन्हें हम पहले नहीं देख सकते, जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, ओले गिरने हो गया, ठीक है, या ज़्यादा बारिश हो गई, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो फसलें ख़राब हो जाती है, तो उसका नुकसान किसान को ना भुगतना पड़े इसके लिए उसको मुआवजा दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। मुआवजे मिलते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा मिलेगा अगर उसने एनरोल कर रखा है खुद को। तो स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स टू एंश्योर देयर कॉन्टिन्यूएंस इन फार्मिंग, अगर इनकम आज मान लीजिए 1,00,000 रुपये आ रही है किसी को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर उसको आ रही है 20,000 रुपये, ठीक है, तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, वो सोचता है कि भाई मैं फसल छोड़ के कुछ और कर लूँ, क्यों, क्योंकि इसमें मेरी स्टेबलाइज्ड इनकम तो आ नहीं रही। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ इनकम उसकी फिक्स आनी चाहिए, उसके लिए इसके अंदर कुछ प्रावधान रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उत्पादन में ऊपर नीचे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो जिस मिट्टी के अंदर जो फसल की बुआई करनी चाहिए वो नहीं होती, तो उसके लिए अलग अलग सेंटर्स खोले गए हैं कि वहाँ आप अपनी मिट्टी लेके जाइए, वहाँ देखिए कौन सी ज़मीन के अंदर कौन सा आपका फसल सही रहेगी। तो उसके लिए ये स्कीम है कि यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा फार्मर्स को कि जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनको यूज़ कीजिए आप। हाईलाइट्स क्या है स्कीम्स की, कि अगर रबी की फसल है और वो खुद को एनरोल कर रहा है तो प्रीमियम का सिर्फ 1.5% भरना पड़ेगा, रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2%। प्रीमियम अगर मान लीजिए 100 रुपये का है, ठीक है, तो 1.5 रुपये कौन भरेगा, किसान भरेगा, बाकी कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगी, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं इसको, देयर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाई फार्मर्स, सिर्फ 2% फार्मर पे करेगा खरीफ के लिए और 1.5% रबी के लिए। इन केस ऑफ एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, अगर एक साल वाली कोई फसल है, एनुअल कमर्शियल क्रॉप है, तो उसके लिए अंदर 5% फार्मर करेगा, 95% गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। द प्रीमियम रेट्स टू बी पेड बाय फार्मर्स आर वेरी लो, हमें दिख रहा है कि सिर्फ 1.5% 2% और मैक्सिमम 5% ही पे कर रहा है, ठीक है। बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाकी का 95% या 97-98% गवर्नमेंट पे करेगी, टू प्रोवाइड फुल इंश्योर्ड अमाउंट टू द फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। जितनी भी नेचुरल कैलमिटीज होती है उनके अंदर कोई भी नुकसान हो तो उसके लिए ये स्कीम है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देर इज़ नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी, कोई अपर लिमिट नहीं है गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर।
अगर देखिए इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि मान लीजिए दो किस्तें भरी किसी ने, ठीक है, और उसके बाद नुकसान हो गया उसके खेत के अंदर, तो उसको पूरा पैसा मिलेगा जितना उसको इंश्योरेंस करवाया गया है। तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसने तो दो ही किस्त भरी थी या पहली किस्त भरी थी, ठीक है, उसे पूरा इंश्योरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वॉज लॉन्च ऑन 9 मई 2015। आपको पता होना चाहिए कि कब ये लॉन्च की गई थी। द कवर पीरियड इज 1 जून ऑफ ईच ईयर टू 31 मई ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। नेक्स्ट ईयर का 31 मई तक 1 जून से लेके ये कवर करता है, ठीक है, मतलब एक साल के लिए है ये। इट ऑफर्स अ रिन्यूएबल 1 ईयर टर्म लाइफ कवर, एक साल का है। आपको प्रीमियम क्या है, एक साल का 330 रुपये देना है। और ये देखिए ये फसल का नहीं है, ये याद रखिएगा, ये पर्सन के लिए है। तो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इज 55 ईयर्स, 55 साल के बाद में ये लागू नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्सिमम डेथ कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए का, ठीक है। एक बार 330 रुपये भरिए, बीच में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। और क्योंकि मृत्यु होने के चांस 55 के बाद ज़्यादा होते हैं, तो ये स्कीम उनके लिए प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, क्योंकि अगर 55 के बाद वाले, अगर 70 वाले का करवा दिया तो गवर्नमेंट तो नुकसान में चली जाएगी, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं मृत्यु के। इसके अंदर टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको 80C के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इंश्योरेंस के एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन से 80C के अंदर या कौन से सेक्शन के अंदर आपको छूट मिलती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए 80C। इस वीडियो के अंदर जो भी आपको दिखाया जा रहा पूरा रट लीजिएगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए आपकी, जो छोड़ना होगा मैं बता दूंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपको लाइफ से कोई भी थ्रेट होता है उसके लिए है, मतलब सिर्फ लाइफ के लिए ये कवर करता है आपको। यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये रहा आपको दिख रहा है। वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015, ये कब किया गया, ये भी 9 मई 2015। तो दोनों की डेट आपको पता होना चाहिए, 9 मई भी आपको पता होना चाहिए, 2015 से काम नहीं चलेगा। इट ऑफर्स अ रिन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर, इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई डिसेबिलिटी होती है उसके अंदर आपको कवर किया जाता है। एनी पर्सन एज्ड बिटवीन 80 टू 70, 18 से 70 के बीच में जो भी है वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। तो प्रीमियम रेट कितना है, 12 रुपये एक साल का, सिर्फ 12 रुपये दीजिए और आप इंश्योर्ड हो जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है, पार्शियल है तो 1 लाख रुपये आपको मिलेगा। तो दिमाग में क्वेश्चन तो उठना चाहिए कि भाई यहाँ तो 2 लाख रुपये, यहाँ भी 2 लाख रुपये का कवर मिल रहा है और यहाँ भी 2 लाख रुपये का कवर मिल रहा है हमें, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ तो 2 लाख रुपये का कवर और यहाँ भी 2 लाख रुपये का कवर, यहाँ देने पड़ रहे हैं 330 रुपये और यहाँ देने पड़ रहे हैं 12 रुपये, तो फायदा तो इसमें ज़्यादा है ना, ठीक है। लेकिन नहीं, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसमें आपकी सिर्फ डेथ देखी जाएगी कि आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन इसमें 12 रुपये वाले में क्या है कि डेथ होनी चाहिए एक्सीडेंटल, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ होनी चाहिए, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ होनी चाहिए, ठीक है, वरना तो इसमें फ़ायदा है। अगर क्यों, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल डेथ ना हो, सीधी डेथ हो, तो इसमें डेथ भी है और साथ में डिसेबिलिटी के अंदर भी मिल रहे हैं पैसे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, पता होना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आराम आराम से करवा रहा हूँ, टाइम लगे जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर का सवाल है ये वीडियो। आप चाहे कहीं देख कभी देख रहे हो, ये हर एग्जाम के अंदर काम में आएगी, चाहे आप 4 साल बाद देख रहे हो, क्योंकि स्कीम्स के नाम चेंज होते रहते हैं, प्रीमियम में अंदर चेंज बहुत कम चांसेस होते हैं होने के। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, डायरेक्ट फुल फॉर्म्स याद रखिएगा सबकी, 4 मई 2017 को की गई थी लॉन्च, टू प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन्स एज्ड 60 एंड अबव, 60 या उससे ऊपर वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना स्कीम लॉन्च की गई थी। ये एक एश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड करती है आपको 8% पर एनम का, पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट कि कितना परसेंट, 10 सालों तक के, ठीक है। मिनिमम परचेज प्राइस ये क्या है, एक तरीके का पैक है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का अगर पैक खरीदते हैं आप,
मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख से कम में नहीं खरीद सकते। अगर आप 1.5 लाख रुपए का परचेज करते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना है, 15 लाख रुपए का। पहले 7.5 लाख था, अब 15 लाख कर दिया है, उसको दुगना कर दिया है। मिनिमम पेंशन, अब जब आप इसको परचेज कर लेते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 1,000 रुपये। हर महीने आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 15 लाख वाला पैक लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें ऐसे आनी चाहिए जैसे कि आप किसी कस्टमर को बता रहे हो, उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए ना। ठीक है, तो मिनिमम पेंशन आपको 1,000 रुपये, 10,000 रुपये। एक तरीके से ये क्या है, आप जाएंगे ये पैक खरीद लेंगे, ठीक है, फिर आपको महीने का 1,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 3 साल तक ली और उसके बाद मृत्यु हो गई आपकी, ठीक है, तो 3 साल में कंपनी के कितने रुपए गए, 12-13, 36 हज़ार रुपये गए, लेकिन आपने ख़रीदा कितने में था, 1.5 लाख में। ठीक है, तो क्योंकि कंपनी चाहती, मतलब कंपनी रियलिटी में तो यही चाहती है ना कि जो खरीदे और वो जल्दी से मर जाए। ठीक है, हालांकि दिखाया नहीं जाता कि कोई कंपनी चाहती है, कंपनी चाहती है कि वो मर जाए, जो जिन जिन्होंने ये पैक लिया है उनकी मृत्यु हो जाए या जल्दी हो जानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये 60 एंड अबव वालों के लिए है। अगर कोई जवान होगा वो तो भाई बढ़िया से पेंशन लेगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमम लोन भी आपको मिल सकता है 75% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस के 75% पे आपको मैक्सिमम लोन भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट ऑप्शन में दिया होगा, 60, 70, 75, 85, तो आपको लगाना है 75%। और इसको स्कीम को ख़त्म हो जाना चाहिए था एनरोलमेंट इसकी 3 मई 2018 को, लेकिन एक्सटेंड करके इसकी डेट कर दी गई 31 मार्च 2020 को। तो आपसे पूछा जा सकता है कब तक के लिए एक्सटेंड की गई है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत फॉर न्यू इंडिया 2022। इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि क्योंकि हर जगह हॉस्पिटल्स नहीं खोले जा सकते, इतना हमारे पास बजट भी नहीं है और कई जगह रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे कि दवाइयाँ वगैरह सब कुछ वहाँ पे, एक डॉक्टर भी होगा, नर्स वगैरह भी होंगे, सब स्टाफ होगा। ठीक है, तो वहाँ पे छोटा सा एक हॉस्पिटल खोल दिया जाएगा। ऐसे 1.5 लाख सेंटर खोले जाएंगे, 1200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। पता होना चाहिए आपको कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं, इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो पक्का पता होना चाहिए। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम टू प्रोवाइड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, 10 करोड़ लोगों को इसके अंदर कवर कर लिया जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत जो दो स्कीम्स जा रही हैं उनको सब्ज्यूम किया है इसने। कैसे, किसका किसका सब्सम है ये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों का मिक्सअप भी आप बोल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है बेनिफिशियरीज के मामले में, टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने, मतलब सबसे ज़्यादा इसके अंदर एनरोलमेंट वेस्ट बंगाल से हुई है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ ने इसके अंदर टॉप किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल ने खुद को अब इससे बाहर निकाल लिया है, ऑप्टेड आउट, खुद को निकाल लिया, ये कहते हुए कि हमारे अंदर यहाँ पे जो स्टेट के अंदर इससे बढ़िया स्कीम या ऐसी स्कीम चल रही है ऑलरेडी, तो हम नहीं चाहते कि कोई अपने नाम पे, जब वैसे भी आपको पता है मोदी जी की और ममता बनर्जी के बीच में क्या कुछ चलता है। ठीक है, मतलब उनकी नहीं बनती है, लेकिन हम ये रीज़न नहीं देंगे कि बनती नहीं है इसलिए इनरोल आउट कर लिया है उन्होंने खुद को, नहीं, उन्होंने ऑप्ट आउट क्यों किया, क्योंकि उन्हें उन्होंने कहा है कि हमारे पास इससे बढ़िया स्कीम चल रही है। और कौन से स्टेट हैं जिन्होंने खुद को इनरोल आउट कर लिया है, इससे बाहर निकाल लिया है, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, दिल्ली। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई अगर आयुष्मान भारत स्कीम में एनरोल होना चाहता है तो, और वो दिल्ली से बिलोंग करता है, क्या वो हो सकता है, आप कहेंगे जी नहीं। क्या वो केरला से है तो बिलोंग कर सकता है, बिलोंग करता है तो वो हो सकता है, जी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दर्पण PLI, ये स्कीम नहीं है, ये एक तरीके से नया ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं आप इसे। कैसे, दर्पण PLI की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या फुल फॉर्म है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस नाम आते ही पता चलेगा कि ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, फॉर अ न्यू इंडिया हेल्थ, सॉरी न्यू इंडिया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये
लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1.29 लाख जो रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज है कंट्री के अंदर, उनको अनेबल किया जाए ऑनलाइन पोस्टल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। बजट दिया गया है 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ रुपए का दिया गया है। और 1200 करोड़ रुपए किस चीज़ के लिए था? 1200 करोड़ रुपए 1.5 लाख हेल्थ सेंटर्स के लिए। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको, 1300 दिखते ही, हाँ 1300 ही है, 1200 ही है। चीज़ें पीछे वाले भी याद कीजिए, तभी आपको रिवाइज होंगी बार बार। बेनिफिशियरीज क्या है? 61,941 ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज, और बाकी जो बचे हैं वो रूरल पोस्ट ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट क्या है कि जितने भी कोई प्रीमियम्स हम बात करते हैं कि 12 रुपये, 330 रुपये, तो वो प्रीमियम करवाने के लिए किसी को दूर ना जाना पड़े, पोस्ट ऑफिस में जाके ही वो अपना प्रीमियम भर सके। इसके लिए उसको टेक्नोलॉजी दी जाएगी हर पोस्ट ऑफिस को कि वो गाँव में लोग ही अपना प्रीमियम भर सकें। ठीक है, तो दर्पण PLI की फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ESIC ने यह स्कीम लॉन्च की है। किसने? ESIC। आपने ESIC UDC एग्जाम वगैरह सुने होंगे, तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने यह स्कीम लॉन्च की है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये व्यक्ति के लिए होगी, नाम व्यक्ति दिख रहा है आपको, तो फॉर प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर खुद को एनरोल कर लीजिए, और जिस दिन आपको लोन चाहिए होगा तो आप इससे लोन भी ले सकते हैं, 47% अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्कीम है किस चीज़ के लिए वो हम देखते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ये है, अगर आप काम कर रहे हैं, खुद को एनरोल कर चुके हैं आप इसके अंदर, और मान लीजिए आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या नौकरी छोड़ना चाहते हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी XYZ रीजन हो, तो जब आपने नौकरी छोड़ी, ठीक है, और जब आपको नई जॉब मिलनी है, तो इसके अंदर टाइम तो लगेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने लग सकते हैं, तो ये 3 महीने कवर करता है आपको। 3 महीने तक आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, कि क्योंकि आपने इसके अंदर खुद को एनरोल किया था सेफ्टी के लिए, तो 3 महीने तक आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और आपको मिनिमम कुछ जो डिसाइडेड होगी आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग पेंशन वो मिलती रहेगी, और आपके 3 महीने तक पैसे आते रहेंगे, आपको फील नहीं होगा कि आपने जॉब छोड़ दी है, तो एक सिक्योरिटी रहती है, बैकअप होता है आपके पास। जब आपके पास पैसे होते हैं तब आप काम अच्छा भी ढूंढ सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसके लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है आपको इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड के लिए है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। मैंने इसको दोबारा डाला है, याद रखिएगा, दो बार करवा रहा हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरा अगर इसके अंदर डिटेल में पढ़ना चाहें और भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा 7.5 लाख रुपए, लेकिन मैक्सिमम परचेज प्राइस अब 7.5 लाख रुपए नहीं है, 15 लाख रुपए है, चेंज कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 15 लाख रुपए है। मिनिमम पेंशन 1000 रुपए हो सकती है, मैक्सिमम पेंशन 10,000 रुपए हो सकती है, यहाँ पे 5,000 दिख रहा है, यहाँ डबल किया तो यहाँ भी डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 रुपए। तो बहुत अच्छी स्कीम है ये, और आपको पता हो सबकी आपको एज लिमिट्स याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी स्कीम में क्या होता है। अगर आपको स्टैटिक जीके की ट्रिक्स चाहिए तो SSC RRB एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो मैं आपको प्रिंटेबल PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ पे ओलिवबोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करके रिप्लाई कीजिए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए सीरियस दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है, जो कि जो रियली डिजर्व करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी पता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट कंटेंट मैं आपको और अच्छा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।